ओम शांति। 6/2/2023 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा कि सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, दूसरों को भी बनाना है। फिर कहा, सुख शांति के वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। और आगे कहा, हिज होलीनेस या हर होलीनेस का टाइटल हम बच्चों पर नहीं पड़ सकता है। फिर कहा, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। एक परमात्मा ही चैतन्य झाड़ का बीज है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप है तो दो माँ भी है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर, हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बढ़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप है तो माँ भी जरूर दो होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना? अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री जियोग्राफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती है, वो भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ
तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताए, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो। परंतु बनेंगे वो जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वो बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वो कुछ समझते नहीं, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वो नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वो चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो। देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वो समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति वा सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को। यह तो संगम युग है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह न सके। हिज होलीनेस कोई बी के अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस कोई बी के अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं, कलयुग में कहाँ से आए। भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते। इसलिए बढ़ाई लेनी नहीं चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है, तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वो समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो, समझाना चाहिए। तुम परमधाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापिस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वो ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है,
अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे ज्यास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी ज्यास्ती चढ़ती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते हैं। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है, तब तो गाते हैं पतित पावन। परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं है। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था, गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है, तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है, फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ऐसे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का भी दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। रात्रि क्लास 8468। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे इन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की, जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनास्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें, कहेंगे युक्ति से काम करो फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं। परंतु जब बाप आए तभी ले जाए, भगवान है ही एक। ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही है सतयुग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वो जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी ही है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए।
अच्छा, अब दूसरा रात्रि क्लास 9468। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, उन्हों को बताना चाहिए। देखो, सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वो तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भवका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए, जो भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे, योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। बाप दादा को भी याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है, वरदान है। ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भव। विस्तार है, यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सुख ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूँ लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो, जैसे बाप भी रमणीक है। देखो, कभी धोबी बन जाता तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुशनसीब। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वो है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। सच्चे सेवाधारी वो है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। ओम शांति।